तो यार पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सारे कमेंट देखने को मिल रहे थे, भैया जी आपने अपने होम स्क्रीन का सेटअप कैसे किया है और फिर आप कौन सी स्टॉक एंड्रॉइड वाली थीम यूज करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो थ्रू मैं आपको फुल ट्यूटोरियल देने वाला हूं कि मैंने अपने होम स्क्रीन का सेटअप कैसे किया है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, आपको फुल ट्यूटोरियल के साथ समझाने वाला हूँ। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स की न्यूज सबसे पहले मिलती रहे। फॉर फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं मैंने अपने होम स्क्रीन का सेटअप जैसे भी किया है वो एक फुली स्टॉक एंड्रॉइड वाली लुक देता है। आप यहाँ पर इसका आइकॉन पैक एंड होम स्क्रीन सेटअप एंड थोड़ा स्लाइड अप करने के बाद ये इंटरफेस एंड नोटिफिकेशन फिल्टर एंड जो भी ऐप के जो भी नोटिफिकेशन है उसी कलर में उसको नोटिफिकेशन देना यार फुली अमेजिंग लुक देता है। फॉर फ्रेंड फुल ट्यूटोरियल के साथ बात करने वाले आज के वीडियो में। तो फॉर फ्रेंड सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना होगा, यहाँ पर आपको तीन एप्लीकेशन की ज़रूरतें पड़ेंगी। सबसे पहले नंबर पर आ जाता है लॉन्चर, जो कि 10 MB से कम ही है। लॉन्चर नहीं भैया, लॉन्चर 2 नेम का एप्लीकेशन आ जाता है जो कि 10 MB से कम का साइज है। आपको इसको इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में। एंड सेकंड नंबर पे आपको मिल जाता है पिक्सल क्यू, आपको सर्च करना होगा। एंड यहाँ पर आपको पिक्सल क्यू आइकॉन पैक नेम का एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा जो कि अप्रॉक्स 60 MB की आता है, 60 MB। एंड यहाँ पर थर्ड एप्लीकेशन का नेम है पावरफेड। पावरफेड पर टाइप करने के बाद आपको फर्स्ट नंबर पर 3 MB का 2.8 MB या 2.4 MB का ये एप्लीकेशन है, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में। इंस्टॉल करने के बाद अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद ऐप मैनेजमेंट चले जाइए। ऐप मैनेजमेंट जाने के बाद डिफ़ॉल्ट ऐप पे चले जाइए। एंड यहाँ पर होम ऐप पे जाने के बाद सिस्टम लॉन्चर से हटा करके लॉन्चर पे टैप कर दीजिए। लॉन्चर पे टैप करने के बाद आपका लॉन्चर में जाना होगा। लॉन्चर में जाने के बाद यहाँ पर आपको भैया जी आप यहाँ से थोड़ा सा बैक हो जाते हैं, वो रिफिन टैप में था। तो लॉन्चर पे जाने के बाद थीम पे जाना है फर्स्ट नंबर पे। एंड यहाँ पर आइकॉन पैक होगा, आइकॉन पैक ये आपका पिक्सल क्यू वाला नीचे रहेगा, तो आप इसका आइकॉन पैक दे सकते हैं थोड़ा सा इस तरीके का है। एंड यहाँ पर इसको पिक्सल पे टैप करने के बाद भैया जी आप इसको उठा के यहाँ पे ऊपर कर दीजिए। हालांकि ये चीज़ आपका नीचे नहीं रहना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए। ऊपर पे टैप करने के बाद आपका जो स्क्रीन सेटअप है मतलब होम स्क्रीन सेटअप है फुली स्टॉक एंड्रॉइड के लाइक डेट हो जाएगा। एंड यहाँ पर फाइनली बात आ जाता है भाई अपना नोटिफिकेशन फिल्टर हम कैसे चेंज करें। जो भी रियलमी हो और ओप्पो हो जो भी फ़ोन है, आपको अपने फ़ोन में जो एप्लीकेशन इंस्टॉल कराया था पावर फेड का इसको ओपन कर लेना। एंड यहाँ पर रनिंग मेरा चल रहा है तो इसको नॉट रनिंग पे आपको फो होगा। एंड यहाँ पर पावर फेड को कर देना है टर्न ऑन। ऑन करने के बाद आप इसका नोटिफिकेशन फिल्टर दे सकते हैं फुली स्टॉक एंड्रॉइड के लाइक डेट हो जाता है, जो कि यार काफ़ी कमाल का फीचर है। एंड आप भी इसको अपने फ़ोन में अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। एंड आपके फ़ोन में कोई सा भी प्रॉब्लम आता है इसको अप्लाई करते समय आप कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिए, मैं आपका जरूर जरूर फुल सॉल्यूशन के तरीके से आपको स्टॉक एंड राइड के जैसा बना दूंगा। मतलब आपके फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम आती रहेगी सब कुछ सॉल्व कर दूंगा। एंड यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, जिससे यार आपको लेटेस्ट अपडेट्स की न्यूज सबसे पहले मिलती रहे। एंड फ्रेंड्स एक बात और है, एंड अगर आपके फ़ोन में ये सब जो आपको ये दिखाया मैंने आप स्लाइड अप करने के बाद ये सब सेटअप नहीं होगा तो भैया आपको यहाँ पर इसके सेटिंग में जाकर के सब कुछ सेटअप कर लेना होगा। हालांकि मैं आपको इसी वीडियो के थ्रू सब कुछ बता देता बट वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा एंड इसके बारे में आपको और भी डिटेल में जानना होगा, तो मैं आपको इसके बारे में अलग से वीडियो और बना करके फुली सेटअप के तरीके से बता दूंगा। एंड फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर करना, जिससे ये इन्फॉर्मेशन ये ट्रिक और सब यूजर्स को पहुँच सके, क्योंकि भैया जिनको कलर ओएस 7 प्लस एंड्रॉइड 10 का अपडेट नहीं मिला है और फिर जो भी अपडेट्स मिले हैं कलर ओएस 7 और कलर ओएस 6 नहीं पसंद करते हैं वो अपने फोन में एक स्टॉक एंड्रॉइड का ऐप मतलब स्टॉक एंड्रॉइड वाली फीलिंग ले सकते हैं। फॉर फ्रेंड्स यार दैट फिट एंड बहुत सारा था।